नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर सदर कोतवाल दिलीप सिंह ने मंगलवार को नगर के पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों की पड़ताल की। पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहकों की लाइन लगी थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आए। इस पर कोतवाल ने उन्हें फटकार लगाते हुए दूरी बनाने को कहा। इसके साथ ही बैंक के अंदर मौजूद भीड़ को बाहर निकलने का आदेश देते हुए कहा कि अंदर भीड़ न लगाएं और बारी बारी से बैंक में प्रवेश करें। एटीएम पर लाइन में लगे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दूरी बनाने को कहा। जो लोग बिना मास्क के नजर आए, उन्हें फटकार लगाई। इस मौके पर विश्वेश्वरगंज चौकी प्रभारी वंश बहादुर सिंह के साथ ही पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सोमवार की देर शाम जंगीपुर थाना क्षेत्र के बद्दूसराय के पास भाजयुमो के पूर्व प्रदेश मंत्री योगेश सिंह की कार पर बदमाशों ने पथराव किया। ये संयोग रहा कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। भाजपा नेता की तहरीर पर नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक यजुवेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर वीरेंद्र यादव और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजीपुर के दुल्लापुर थाना पुलिस ने सोमवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। संबंधित धाराओं में उनका चालान कर जेल भेज दिया। मालूम हो कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिशा निर्देश के क्रम में सोमवार की रात करीब 8 बजे थाना प्रभारी निरीक्षक गाजीपुर मऊ सीमा पर हरदासपुर खुर्द गांव के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के पास से जो बाइक बरामद हुई है, वो वाराणसी के सारनाथ निवासी आलोक सिंह की है। 2019 के अप्रैल माह में स्थानीय थाना क्षेत्र के धर्मागतपुर से एक शादी समारोह से चोरी हुई थी। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मनोज तिवारी, कांस्टेबल आशुतोष पटेल, संदीप पांडे, लालव्रत यादव शामिल थे। गाजीपुर शहर कोतवाली के पोस्ता घाट पर मंगलवार की दोपहर नहाते समय एक सफाई कर्मी गंगा में डूब गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से युवक की तलाश शुरू कर दी। घटना के संबंध में बताया गया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बयेपुर देवगली निवासी बिच्छू राम का पुत्र मंडू राम 45 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी था। आज दोपहर में पोस्ता घाट पर नहाने के लिए पहुंचा। लोगों की माने तो नहाने के लिए गंगा में कूदा, लेकिन गहरे पानी और बहाव की वजह से बहने लगा। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने घटना की जानकारी कोतवाली प्रभारी दिलीप सिंह के साथ ही युवक के परिवार वालों को भी दी। मौके पर पहुंचे परिजन बिलखने लगे। सूचना पर रजागंज चौकी प्रभारी तरुण श्रीवास्तव पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू करा दी गई। देर शाम 5:45 बजे तक युवक का पता नहीं चल सका। रक्षाबंधन पर्व पर सोमवार की रात जमनिया कोतवाली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोतवाली परिसर में स्थित मंदिर के पुजारी शिव कुमार पांडे ने कोतवाली के सभी पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। उन्हें ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ ड्यूटी निभाने का संकल्प दिलाया। इसके बाद सभी पुलिस कर्मियों का मुंह मीठा कराया। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने कहा कि आपकी तैनाती आम जनता की रक्षा के लिए की गई है, इसलिए इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएं। किसी के साथ भी इस तरह से पेश न आए कि उसके दिल को ठेस पहुंचे और उसकी नजर में पुलिस की छवि खराब हो। इस कार्यक्रम की वजह से कोतवाली में भक्तिमय वातावरण बना रहा। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।